एस प्रो डिक्लाइन फ्लैट सुपर हैवी ड्यूटी मशीन है। हाँ जी रिव्यूज मसल रिव्यूज दसो इस तो बैटर कोई मशीन चलाई हो आज तक? हाँ तुम तो हर जगह जिम दे ऑलरेडी देखे हुए ने खुद भी तुम कितने साल हो गए थोड़े करते हुए? 15 साल 15 साल के अंदर मशीन मिली इन्नी जबरदस्त। अगली मशीन चलाने हैं लो जी अगली मशीन है चेस्ट प्रेस बिल्कुल स्लो चला एच एस प्रो। हाँ एच एस प्रो हायर हायर वाला अमेरिकन ब्रांड है ना? नहीं उठे चलाई सी ना अपने फील करो स्लोली स्लो करो थोड़ा बहुत स्मूथ है ना बहुत उन्हें उन करो एक सिंगल हैंड करो थोड़ा टेढ़े हो जाओ नहीं रोक दो एक हाथ टेढ़ थोड़ा टेढ़े बॉडी में एवं कर लो ओके इधर हो जाओ हाँ बस ओके समझ ओके फील करो जरा मसल फील करो। हाँ जी मसल देते ओके गुड है ना खतरनाक और ए प्लेट जे आगे जा रही है देखो ताकि लोड मैक्सिमम आ जाए थोड़ा मैक्सिमम लोड हूँ सब तो जी खतरनाक मशीन है देखो है सिर्फ 10 kg पाया सी एच एस प्रो वर्ल्ड नंबर 3 ये अंदर आती है तो बैठो जरा हैंडल हाथे जी नहीं आएगा लीवर दबाओ ए पैर ए पैर रखो ए दबा दो हैंडल अगे आ गया फील बिल्कुल स्लो करके फील करो है बोल फील करो जरा बिल्कुल मसल फील बिल्कुल स्लो सिर्फ 10-10 kg 20 kg कर रहे हो सिर्फ awesome. है स्मूथनेस मसल की नहीं आ रही चल रही है दसो है ओनली 10 kg फील इज वेरी गुड है और स्मूथनेस बहुत ज्यादा है 100% ए मशीन डिजाइन किवें लगया पहले तो ए डिजाइन बनाया हुआ है टैंक नू देख के आर्टिलरी टैंक ओ सीरीज है वाली बिल्कुल जिमें लगेगा कि टैंक खड़े ने वे वे टैंक खड़े ने 300-300 kg की मशीन है प्राइस देने हूँ कर रहे हैं डिक्लाइन मशीन फील करो ए वाला फील आया कभी स्लो स्लो ग्रिप टाइट हाँ अच्छी ऐसे देखो कितनी जबरदस्त है ए वाला फील भी कभी आया किसी जिम के अंदर है एंगल देखो सेंटर के अंदर बिल्कुल करेक्ट चलेगा फील खतरनाक मशीन है कि नहीं है है ना हम लग रहा है कि तुम जो माल दिता सी जो मर्जी दिता सी ना ही लवेंगे असि एद अंदर तो अंदर की फर्क है नेक्स्ट मशीन खतरनाक रोइंग खिंच के मारो और देसी मुर्गे खाया करो फील दसो फील पीछे होल्ड करना एक बार रोक लेना पीछे पीछे रोक लो हूँ दसो फील है मसल इफेक्ट क्यों है लग गया है ना तगड़ी मशीन है लेटरल रेज हाँ नहीं नहीं बेटी हमने तो सिर्फ एवं ग्रिप करे करो एवं अच्छा हाँ वो नहीं करते थे वो सिर्फ बेंच प्रेस के अंदर तुम कहोगे मैं इतने ही शोल्डर मारने ने लेटरल रेज एवें आ जाओ हाँ फड़ो है ओ हाथ ना फड़ो ओ वाले हाथ ना ओले अपना हाँ इधर घूम जाओ मेरे एवं हो जाओ एवं अच्छा ओके समझ गया ओके फ्रंट थोड़ा जा होर अगे हो जाओ है ना खतरनाक आ जाओ इधर
ਇਹ ਗਲੂਟ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਗਲੂਟ। ਆਓ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਨੀਚੇ, ਹਾਂ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਰੀਅਲ ਡੈਲਟ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਰ ਉਠਾਓਗੇ ਮਸਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਸਲ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ? ਓਕੇ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਔਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਕ ਫਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਨੀ ਚਸ਼ ਫੜਦੀ ਹੈ? 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜਰਾ, ਕਰੈਕਟ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਬੋਡੀ ਮਸਲ ਪੰਪ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕੀ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਪੰਗਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਮਾਰੋ ਦਸਰਾ ਮਾਰੋ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਬਾਰ ਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਰ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਪ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਗਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਊਟਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਊਟਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਿਪ, ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਰੋ ਰੈਪ ਹੈ ਦਸ। ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੋਲੋ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸ਼ਿਨਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਹੈ ਪੰਪ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ,